भारत और रूस की दोस्ती पूरी दुनिया की आंखों में खटक रही थी। ऐसे में भारत ने रूस को एक बड़ा झटका दिया है। पीएम मोदी ने इसी साल दिसंबर में होने वाली पुतिन के साथ अपनी मुलाकात को रद्द कर दिया है। गौर करने वाली बात यह है कि दुनिया में पैदा हुए असंतुलन के माहौल के बीच इतिहास में ये दूसरा मौका होगा जब भारत और रूस के नेताओं की ये सालाना मुलाकात नहीं होगी। साल 2000 के बाद ऐसा दूसरी बार होगा जब भारत और रूस दोनों के नेता मुलाकात नहीं करेंगे। ऐसे में इस खबर के सामने आने के बाद दोनों देशों के रिश्तों को लेकर कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। भारत और रूस की दोस्ती दुनिया की सबसे बेहतरीन दोस्तियों में से एक मानी जाती है और ऐसे में इस मुलाकात के रद्द होने के कई मायने हो सकते हैं। लेकिन इस बीच रूस ने अपने हालिया बयानों से ये साफ कर दिया है कि कोई कितनी भी कोशिश कर ले, रूस और भारत के रिश्ते अटूट हैं। रूस ने भारत की जमकर तारीफ भी की और संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी सदस्यता का ठोस समर्थन भी किया है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावारोव ने भारत की तारीफ करते हुए उसे दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्तियों में से एक बताया है। लावारोव ने कहा कि भारत आर्थिक विकास के लिहाज से दुनिया के प्रमुख देशों में शामिल है, संभवतः नेतृत्व कर रहा है। भारत के पास व्यापक पैमाने पर विभिन्न तरीके की समस्याओं को सुलझाने का अनुभव है। भारत दक्षिण एशिया में शंघाई सहयोग संगठन के अंदर विभिन्न तरह के ढांचों में शामिल है और वो संयुक्त राष्ट्र में भी सक्रिय भूमिका निभा रहा है। उन्होंने भारत के सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की दावेदारी का भी समर्थन किया। वहीं दूसरी ओर इस बैठक के रद्द होने को लेकर विशेषज्ञ मान रहे हैं कि पीएम मोदी ने इस शिखर बैठक से किनारा करके रूस को ये साफ संदेश दिया है कि वो समरकंद में पुतिन को दिए अपने संदेश पर अभी भी कायम है। बता दें कि पीएम मोदी ने बीते दिनों पुतिन से साफ शब्दों में कहा था कि ये युद्ध का समय नहीं है, रूस को यूक्रेन से बातचीत कर इस युद्ध को खत्म करने पर विचार करना चाहिए। बहरहाल हमारी इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की अन्य बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक डिजिटल।